सेकंड डे अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। यहाँ पर भी मुझे दानिश और नौशीन ने भी मेरी दावत दी, मुझे ढाबे पे लेके गए और दिल से दुआ निकल रही है कि मेरे ये सब बच्चे हमेशा खुश रहे। आमीन आमीन। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी फुप्पी आए हैं और मेरी जो बहन है वो लोग आए और बहन के बच्चे भी आए हैं। सो वो लोग को हम लोग का फर्स्ट बनता है, वो लोग आए हैं तो खातिरदारी करना तो ज़रूरी है। सो इतने दिन से हम लोग घर में ही थे, सिर्फ लोग घूम ही रहे थे यहाँ वहाँ। सो आज हम लोग को मौका मिला है, फ्री टाइम है, तो दानिश और मैंने सोचे है कि मैं हम लोग का जब बेबी का हम लोगों ने रिवील किए थे और बेबी का जब अनाउंस मतलब बेबी का जब बताए थे तो यहाँ पर मेरी फुप्पी लोग और लोग मौजूद नहीं थे। सो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब वो टाइम पे हम लोग बता नहीं पाए थे उनको। सो मतलब फ़ोन पे ही था, ब्लॉग्स में कुछ भी नहीं था, ना ही उनको दावत दी ना ही मिठाई खिलाए। सो ये बार हम लोग सोच रहे हैं कि अभी आए हैं फूफी, यही मौके पे लेके जाते हैं उनको किधर बाहर रेस्टोरेंट में। सो हम लोग सोचे हैं कि ढाबा जाते हैं। सो इतने साल से लोग गए भी नहीं है तो वो लोग के लिए मज़ा भी आ जाएगा। सो हम लोग का प्लान सुबह से था, सो अभी कन्फर्म हुआ है तो जस्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट करी। सो एक बच्चे की खुशी में हम लोग उनको दावत दे रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग इधर आए हैं। मतलब हमारे गाँव में बहुत माशाल्लाह खातिरदारी करते हैं वो लोग। सो हमारा भी फर्स्ट बनता है कि इधर आए हैं तो वो लोग की खातिरदारी करना ज़रूरी है। सो इसके लिए मैंने और दानिश ने सोचे कि उनको दावत दे देते, घर पर बुलाने से अच्छा है कि बाहर होटल में खिला दूँ वो अच्छा रहता है, क्योंकि घर छोटा भी पड़ जाता है, फिर एकदम वो सब रहता है और बाहर का खाना है तो एकदम अलग ही बात हो जाती है। तो ढाबा एक ट्रैवलिंग भी हो जाएगी हम लोग की और साथ ही साथ इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा बच्चे लोग के लिए, वहाँ झूले वो सब भी रहेंगे, सो लोग इन्जॉय भी करेंगे। सो ये दो रीज़न की वजह से मैंने और दानिश ने सोचा है कि दावत दे देते हैं। सो इसके लिए हम लोग दोनों लेके जा रहे हैं उन लोग को ढाबे पे। सो अभी रेडी वेडी होते हैं फिर आप लोग को डायरेक्ट मिलते हैं मम्मी के वहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो रहा है, गाड़ी आ चुकी है, सो लोग भी रेडी हो गए, मम्मी का फ़ोन आया जल्दी आओ तुम लोग, सभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट उधर, तो मिलते हैं आगे। हाँ आप लोग को मैं बोली कि मम्मी अप्पा लोग के वहाँ पर जाके मैं ब्लॉग बनाऊंगी, सभी हम लोग आ गए हैं। सब आप उनका अभी जा रहे हैं ढाबा, जो कि दानिश है ना उसकी फूफी सास को दावत दे रहा है। हाँ काय की दावत दे रहे हैं, गांव से आए, वो गांव से आए इसके लिए अपनी खुशी से दे रहा है कि लोग इतने एक साल बाद आए। हाँ। मेरी तरफ से इनको दावत और बच्चे की खुशी के लिए भी, बच्चे का अपने कुछ खिलाए भी नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ, मम्मी ये लोग पहुँच के हम लोग वेफर्स ले थे क्योंकि ग्राउंड नंबर आफ्टर थोड़ा खा पी के जाएंगे, इसलिए सो डायरेक्ट मिलते हैं फूफी लोग के पास। तो गाइस अभी हम लोग बैठ गए गाड़ी के अंदर, लोग की बंकर चालू हो गई है। आज से मैं सोचा हूँ मैं अंकल के मस्ती नहीं करूंगा, है ना अंकल। ये इतना सीधा हो गया क्या, मैं क्या हो गया अचानक तेरे को, तो समझ नहीं पड़ा मेरे को। मैं सोच रहा अंकल की मस्ती नहीं करूँ, अंकल को कालू टकलू कुछ नहीं बोलूंगा अभी से मैं। सब तो बोल दिया, अब क्या नहीं बोलेगा। एक तो कॉमेंट आया बोले मैं सिर्फ ब्लॉग अंकल और दानिश की नोकझोंक के लिए देखता हूँ, कभी लकड़ी के हटे सीधा खड़े रहे ना, कभी हिलता जुलता बेचारे आंटी को तुम्हें पीछे बिठा देते। मैं बोला भी नहीं, हम लोग चार फीट भी हो गए और पीछे की सीट भी तो अब नहीं देखा तूने टायर पीछे टायर में, मतलब गाड़ी आगे से यूं खड़ी खड़ी आएगी। दो जन बैठे ना इसके लिए, मार के चलो तुम लोग, इसका तो फर्क ही नहीं पता बेचारा, तो दूसरा चलो गाइस अभी आगे आगे पहुंचते। अभी साइकिल आंटी से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है, आगे देख के क्या मजा आती है नहीं आती उनको, साइकिल आंटी हमारा बॉडी का मजा आती नहीं आती है। अकेले प्राइवेट में बैठे पूरी सीट लेके बैठे है ना, आज का इक्का यही है ना, आज इनकी पार्टी है ना भाई। चलो यहाँ दोस्तों रानी ऐसा फील कर, प्रैंक नहीं करते तुम्हारे साथ, वहाँ जाके बोले हुए तुम बिल भरो, ये चालू गाड़ी में जम मार साइड में हाथ डाल के निकाल लेंगे। साइका आंटी को इतना डर हो गया ना प्रैंक से, कुछ भी चीज करते ना, तुम लोग प्रैंक तो नहीं कर रहे ना, तुम लोग प्रैंक तो नहीं कर रहे ना। हाँ साइका आंटी सही बात है, सही बात है, चलो फिर कोई बात नहीं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली ढाबे पे और मंगा भी दिया ऑर्डर, क्योंकि भूख इतनी लगी थी और वॉशरूम इतनी जोर से आई थी पूछो मत। रास्ते में जल्दी जल्दी मैप देखी थी कि जल्दी जल्दी बहुत हम लोगों ने ऑर्डर दे दी है और अभी हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने। सो अभी खा रहे हैं हम लोग चना लहसुन और पापड़, अभी चना आया नहीं, पापड़ के खत्म कर रहे चटनी के साथ साथ, यहाँ पर हम लोग के सबके पेटों में पापड़ और हाँ। सो आज गाइस हम लोग दूसरे ढाबे पे आए हैं, हर जगह का टेस्ट चेंज है ना, यहाँ पर तो आ चुके पहले यहीं आते थे, दूसरे ढाबे पे जाते थे, वहाँ से वापस इधर शिफ्ट हो गए हम लोग, फिर देखेंगे इंशाल्लाह आगे और कहाँ कहाँ जाते रहेंगे। सेकंड डे अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है।
वो शर्माते हैं ब्लॉग में आने, शर्माते हो ना, खाने में बिजी हो, शर्माते हो ना आने ब्लॉग में, इग्नोर, तुम शर्माते हो ना आने ब्लॉग में बात करने। अब अच्छा फ्री हो गए, हैदराबाद मजा आ रही है, आए ना पहले तुम लोग इधर, बहुत टाइम हो गया ना। लेकिन ये ब्लॉग ऐसा है ना, जोर से बोलो, तुम्हें आवाज नहीं आती, कमेंट आते पब्लिक के। मैं बोला ये ब्लॉग ऐसा है ना कि जो भी आता है उसको हिम्मत आ ही जाती है। अच्छा हाँ, लेकिन शर्मा जी से हिम्मत आ गई, वो एक चाहत हो जाती है ना, ऑडियंस कमेंट करती है तो और इंसान को मजा आता है ब्लॉग में आने के। पहले खा लेते, कैसा लग रहा है इतने टाइम से, कितने क्या कर लगा के खा रहे हो दादी को, कब से आने का था खाने के लिए, चना खाने का, पापड़ खाने का, चटनी खाने के, खा लो अभी, खा लो खा लो अभी। मम्मी नाक साफ कर, सबसे पहले अब्बा ने उसके ऊपर हमला कर दिया, अच्छा माल फट से ले लेते हैं। हाँ पेटा कर लीजिए, सेकंड तुम लोग को नहीं दे, फट से ले लिए पेटा कर लीजिए, दे देना ये देना, बताती है ना मैं नहीं खाऊंगा, खाओ खाओ लो लो। सो गाइस अभी चना लहसुन हो गया है और पेठा कलेजी भी हो गया है और अभी हम लोग खा रहे हैं मलाई चिकन, चिकन डबल एक्का और चिकन बर्रा, सुबह बता दो उसकी शक्ल। तो खाओ हाँ हाँ, क्यों शर्मा रहे हो, ब्लॉग चालू हुआ तो। सो देखो गाइस ये चिकन मलाई, ये चिकन क्या है डबल एक्का है, ये है चिकन बर्रा। सो ये बार हमारे कुछ अलग मंगा है, बट चिकन मलाई तो सेम एसिडी है जो हम लोग मंगाते ही है। सेकंड ही खाए, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है। आसिफ तो क्या खाएगा मसाला, आसिफ चिकन ही नहीं खाता है, इसके लिए इसकी बॉडी पे कुछ नहीं लगता है। जैबा खाई, हाँ याद करेगी ना फिर गाँव में जाके, फिर क्रेविंग होगी कब ढाबा जाऊँ मैं खाऊ, हम लोग जैसा है ना। ये बेटे बेटे की प्लानिंग हो रही है दूसरे ढाबे जाने की, क्यों ऐसा ना? दूसरे ढाबे जाने की प्लानिंग नहीं हो रही, इसकी मलाई चिकन इतनी अच्छी नहीं है, तो बोले कि जो अपन पहले खाते थे ना मलाई चिकन, वहाँ से लेके पार्सल ले लूंगी तो मैं कल खाऊंगी। गाइस इधर आंटी की पॉकेट हो गई है गायब, बेचारे आंटी का सामान भी नीचे गिर गया, पैसा नहीं है, खाना कैसा है, खर्चा नहीं है, खाना कैसा है, खाना कैसा है, पैसा कैसा है। गाइस अभी हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अभी आ गए हैं हम लोग बलून फोड़ने, और यहाँ पर सब चीज बच्चों के खेलने का है, तो वहाँ पर आ गए, अभी यहाँ पर बलून फोड़ रहे हैं। कालिया कितने आदमी है, क्या पता तुमको ही पता, तुम कालिया हो, ये क्या है खुद, ये लोग क्या कर रहे इधर, चलो कौन है इधर। तो अभी हम लोग सुकून से बैठे तो शायका बोली, शायका आंटी को कुछ शब्द बोलना है तो वो बोल रहे हैं कुछ। मैं बॉम्बे में आई और सबसे पहले मैं सुफिया निजा के घर गई, वहाँ पर इन्होंने मेरी इतनी इज्जत की है कि मुझे वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। इन दोनों बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि मैं बहुत के बहुत खुश हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे दानिश और नौशीन ने भी मेरी दावत दी, मुझे ढाबे पे लेके गए, घुमाया फिराया, इतना अच्छा लगा कि मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है और दिल से दुआ निकल रही है कि मेरे ये सब बच्चे हमेशा खुश रहे। आमीन आमीन आमीन, दुआ दे रहे दुआ। ऐसा मौका मिले तेरे को सुचा के घर पे जाने का, निदा के वापिस जाएगी मुझे इतना अच्छा लगा कि सुफिया मुझे नीचे तक ले गया, गार्डन घुमाया, स्विमिंग दिखाया, फिर कार में घूमने भी लेकर गया, बहुत इज्जत किया, तो बहुत के बहुत किया, बस दुआ करके चारों बच्चे खुश रहे, आमीन आमीन आमीन। भाई भाभी का तो नाम लिया भी नहीं, अब भाभी ने पाए बनाए थे सुबह,
भाभी ने मच्छी दी करी मुझे पसंद है चलो चलो रोना नहीं हड्डी भी लाई जो मुझे पसंद है सब चीजें खिलाई मुझे हर तरह की मेरी इज्जत की है ये मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी समझे क्या जो मैं तो बोल रही यहाँ पे रह जाओ मैंने क्या करूँ संडे की मंडे किया टिकट संडे की मंडे नहीं किया टिकट तेरी मैंने मंडे में आ रहे लोग मोहरम का शरबत बनाने के लिए भाई का मेहमान थे कि तू रुक शरबत पी के गांव भी ले जा इसके लिए मैं यहाँ पर एक दिन और बढ़ा दी और मैं मंडे को गांव जा रही हूँ तो तुम मालूम पड़ा मंडे को जाए सेकंड हाँ वही तो बोल रही हम लोग तुम्हें वो दे रहे थे क्या सरप्राइज चलो बाइक चला चलो सलमान खान नहीं आया मैं चलो अभी अब्बा यहाँ पर चला रहे क्या कर रहे गुदगुदी हो रही चला ना बयान क्यों क्यों नहीं चला है बोलते स्टार्ट करो आगे की चलो सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे अपने अपने घर पे जाएगा ना आंटी हो गया खाली है yes. खाली पहली पी पी अरमान पूरे हुए दिल के अरमान हो गए पूरे मेरी खुशी के लिए मैं आया हाँ तो मेरे को कोई आने का शौक नहीं है अच्छा ऐसी नींद आ रही है मेरे को चलो जाते हैं अभी घर पे गाड़ी में बैठे क्या ले रहे अभी स्ट्रॉबेरी सो गाइज हम लोग आ गए हैं सही सलामत घर पर और मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब